स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ITI पाठशाला में। तो आज हम समोसम करने की विधि आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले एक 20 लीटर की खाली बाल्टी में 3 लीटर पानी में आपको 10 किलो समोसम मिक्स करना है। जब आप इसको मिक्स करोगे तो ये एक नरम आटे की तरह बनेगा। इसको अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। जो ये मिक्स किया हमने, ये हमारे पास एक 20 केजी का बैग आता है समोसम का, कलर उसी के अंदर होता है, आप किसी कलर का चूज कर सकते हो। तो लगभग आधा कट्टा आपको इसमें डाल देना है 3 लीटर पानी के साथ। बड़ी बाल्टी यूज कर लेना। अब आप क्या करोगे, इसमें धीरे धीरे थोड़ा पानी ऐड करोगे, लगभग 3 से 4 लीटर। जितना पतला आपको रखना उस हिसाब से गोल को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। मार्केट में ये जो बैग मिलता है समोसम का, 300 से 400 रुपए तक का मिलता है। तो अलग अलग ब्रांड के, अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से मिल जाता है आपको। तो इस गोल को अच्छे से तैयार कर लेना। अब क्या करोगे, जहां पर भी आपको समोसम करना है, सभी दीवारों पर आपको पानी डाल लेना है पहले, समोसम करने से पहले। जितनी भी दीवारें हैं जहां पर आप समोसम करोगे, सभी दीवारों को गीला कर लेना। गीला करने का फायदा क्या, जब आप समोसम करोगे तो आपका ब्रश स्मूथली चलेगा और जो फिनिशिंग आएगी वो भी साफ आएगी। तो जब आप सिंगल कोट करोगे, पहले वाला फर्स्ट लेयर दीवार पर समोसम की करोगे, तो उससे पहले क्या करना, सभी दीवारों को आप गीला कर लेना अच्छे तरीके से। उसके बाद गीली द्वारों पर आप समोसम का फर्स्ट सिंगल कोट लगाओगे। दीवारें अच्छी गीली होंगी तो आपका ब्रश स्मूथली चलेगा और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। ये समोसम आप किसी भी कलर में ले सकते हो, जो कलर होता है अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो समोसम के अंदर ही आता है। ये हमारा छोटा प्रिंटर है, इसको हर एक काम करना जरूरी होता है, कोई भी नया काम आता है ये उसको जरूर ट्राई करता है। तो ये हमारा फर्स्ट सिंगल कोट लग चुका है चारों तरफ। अब आपको क्या करना है, सिंगल कोट लगने के बाद दोबारा से समोसम के ऊपर पानी डालना है। ये सिंगल कोट लग चुका है, सिंगल कोट के बाद दीवारों को फिर से गीले करना है। जब आप सेकंड कोट लगाओगे उससे पहले आपको क्या करना है, सारी दीवारों पर दोबारा से पानी डाल देना है। अब ये सेकंड कोट, दीवारें पहले गीली की थी, गीली करने के बाद अब ये दूसरा कोट लगा रहे हैं, सेकंड लेयर। लगभग 26 से 27 केजी लगी जाता है एक पूरा रूम चारों दीवारों अंदर बाहर से करने के लिए। जो इसका कवरिंग एरिया होता है एक बैग का, तो मान लो आपके पास एक रूम है, तो रूम की चारों दीवार अंदर बाहर से करने के लिए लगभग आपके 2 बैग लग जाएंगे। लगभग 25 से 26 केजी समोसम लगता है एक पूरे रूम की कवरिंग के लिए। अब दोनों कोट लग चुके हैं, तो ये फिनिशिंग आई है, अच्छी फिनिशिंग आई है, प्रिंटर ने काफी मेहनत की है, गुड लुकिंग है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।
थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।